क्या ये सब? दाई जी फिसल जाती तो अच्छा होता, वो सबको डांटती रहती। दाई जी गंदी, अंदर ने सब खराब कर दिया। देखा आपने दाई जी, आप जैसे न जाने क्या क्या कहती रही। मनहूस पागल, लेकिन उसी ने आपको गिरने से बचाया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, आज तूने तूने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया। चला दे, आरती तुमने भी व्रत रखा है? आप ही ने कहा था ना समीर पे भरोसा करने के लिए, देखती हूँ ये भरोसा कितना काम करता है। जान प्यारी होती है, करवा चौथ का दिन पंगा थोड़ा ना ले सकता हूं। समीर बहुत हो गया मजाक, मजाक की भी एक हद होती। सुबह तू ऐसे बात कर रहा था, अभी देखा देते हैं। सुबह बात कुछ और थी और अब बात कुछ और। सुबह मुझे पता था डैड मानेंगे तुम्हें, जितना मर्जी कर लो डैड नहीं मानने वाले। जब उन्होंने मानना नहीं तो फिर कहने का क्या फायदा, फिर चुप रहो ना। इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। तो क्या वो मान जाएंगे? अगर मान गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं माने तो क्या? तो और अब इस शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए मीठा का। भाभी आपके लिए भी थोड़ा सा ये छोड़ो ना, आशीर्वाद लो, तुम्हारे भाई है। बिल्लू इधर नहीं उधर। हाँ ठीक है ठीक है। आरती तुम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो, और समीर के रूप में तुम्हें बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला है जो तुम्हें समझता है। कोशिश करना कि तुम दोनों में कभी कुछ मनमुटाव ना हो। और हाँ एक बात और याद रखना कि एक औरत ही होती है जो दो परिवारों को जोड़ती भी है और तोड़ती भी है, इसीलिए अगर कोई भी फैसला लो तो बहुत सोच समझ कर लेना। अभिषेक चलो हम दूसरे कमरे में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब सोने का टाइम हो गया और आरती बुआ और समीर अंकल यहाँ सोने वाले हैं और हम लोग दूसरे कमरे। चलो। समीर अंकल और बुआ यहाँ क्यों सोएंगे? क्योंकि हम दोनों अभी पति पत्नी हैं, इसलिए। नहीं मैं यही सोऊंगा, आज बुआ के साथ। अभिषेक बेटा चलो। आदित्य मैं समझ लूंगा। पक्का? पक्का।